बहन पासे राखड़ी बंधाव्या बाद घरे थी निकलेला भाई ने झगड़ानी अदावत में पतावी देवामां आवता चकचार मची जवा पामी छे। उधना विस्तार में गईकाले सांजे एक युवक पर जाहिर में तलवार अने चप्पोड़े हुमलो करवामां आव्यो हतो, जेनो आज वहली सवारे मौत निपजू हतो। युवक पर हुमलो झगड़ानी अदावत में करवामां आव्यो होवानुं जाणवा मळ्युं छे। उधना विस्तार में कैलासनगर खाते नीलंश सुधाकर बागुलनो परिवार रहे छे। 10 दिवस पहला कैलासनगर खाते थयेली मारामारीना केसमां नीलेश तड़ीपार हतो, जेथी ते महाराष्ट्र चाल्यो गयो हतो। दरम्यान रक्षाबंधनना कारणे गतरोज सांजे सूरत आव्यो हतो। नीलेश मित्र सचिन रविन्द्र पाटिल साथे बाइक पर घरे पहोंच्यो हतो अने बहेन पासे 5 मिनिटमां राखड़ी बंधावी बहार आवी गयो हतो। दरम्यान घर बहार रहेला सचिनने कोई युवक मळवा आव्यो हतो अने धमकी आपी हती, जेथी रविन्द्र ने नीलेश पर हुमलो थवानी आशंका हती। घरेथी निकळी नीलेश मित्र साथे कैलासनगर 3 रस्ता पर पहोंच्यो हतो। नीलेशे बाइक उभी राखता सचिने मनाई करी हती अने हुमलो थवानुं जणाव्युं हतुं। दरम्यान 7 થી 8 हुमलाखोरो घसी आव्या हता अने तलवार चप्पू वडे हुमलो करी भागी गया हता। लोही लोहाण हालतमां बन्ने मित्रोने सिविल हॉस्पिटल खसेडवामां आव्या हता, જ્યાં નીલેશનું આજે મંગળવારે વહેલી સવારે મોત નીપજ્યું હતું। નીલેશના શરીર પર 6 થી 7 ઘા મારવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પેટ, જાંઘ, કપાળ અને બંને પગ પર ગંભીર ઘા મારવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે તેની સાથે રહેલા મિત્ર સચિનને પણ 2 ઘા મારવામાં આવ્યા હતા। સચિનની સારવાર ચાલી રહી છે, જ્યારે પોલીસ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે। જો કે નીલેશના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓનું નામ ફરિયાદમાં લેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી મૃતદેહ સ્વીકારવામાં નહીં આવે। જબ યે ઘટના હુઆ તભી મેં નવા ગામ મેં મેરે સાસ કે રૂમ પે થા, મેં જૈસે આયા તો વહાં પે ઉતને મેં એક હો ચુકા થા। ક્યા ઘટના બની, ક્યા હુઆ? વો 6-7 લડકે થે, મેરા ભાઈ સ્કૂટી સે આયા વહાં પે રુકા, જૈસે વો રુકા તો ઉન લોગોને ચાકુ છુરી સે મારના ચાલુ કર દિયા, ઓર મેરે ભાઈ કે સાથ એક લડકા થા ઉસકો ભી મારા। કોન કોન લોગ ક્યો મારા કુછ કારણ માલૂમ પડા? वो उनका मतलब पुराना कुछ झगड़े का था, तो फोन में कुछ वारदातें हुई थी उनकी, एक दूसरे को धमकी दिए, तो फिर धमकी देने के बाद ये रक्षाबंधन करने आया था घर पे, आया तो फिर वहाँ रुका, थोड़ा रुकते ही उन लोगों ने मारना चालू कर दिया। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? नीलेश सुधाकर बाबू। कौन, कहाँ पे रहने का है? कैलाश नगर में। और ये कहाँ पे हुआ, बनाओ कहाँ पे हुआ? ये कैलाश नगर के बाहर ही पॉइंट पे ही हुआ। कौन कौन था मारने वाले का नाम? दूध वाला संतोष, उसको उप सोनू बोलते हैं, और एक धनराज पाटिल, दीपक राजपूत, और ये गोपाल पाटिल उमेश, और केटिया उमेश, और आशिकी 3 बोलते हैं उसको, उसका नाम भी दीपक ही है उमेश, और उमेश, और ये क्या ना एक ना नाव का है दीपक यादव, नहीं तो परवीन नागो। आपका भाई क्या काम करता है? किस तरह जानते हैं? वो एम्ब्रॉयडरी में काम करता था पहले, लेकिन अभी काम बंद हो गया GST के कारण, तो इसीलिए वो घर पे ही था। अभी ये गाड़ी लिया, गाड़ी पे थोड़ा घूम रहा था दोस्तों के साथ, नया गाड़ी भाई, इसीलिए वो घूम रहा था। ये जो मारने वाले हैं उसको आपके भाई की पहचान किस तरह हुई? वो तो हमारे गली में ही रहते, आमने सामने आजू बाजू में ही रहते है, वही लोग है, वही लड़कों ने। शादी हो गई आपके भैया? नहीं, वो तो कुंवारा था।